आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो एंड गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस बी इक्वल्स और बोला है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन दिस ऑर्डर फॉर्म एन इंक्रीजिंग जी पी ठीक है तो देखिए हमें क्या बोला है? सबसे पहले देखिए लिख लगे थे कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये सब क्या है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग जी पी में तो देखिए इनको हम एज्यूम कर लेंगे कि अल्फा हमारा फर्स्ट टर्म ए है इसको देखिए हम कैपिटल ए लिखेंगे क्योंकि देखिए स्मॉल ए यहाँ क्वेश्चन में यूज हुआ है तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए तो कैपिटल ए कैपिटल ए आर कैपिटल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर क्यूब ये देखिए जो है फोर टर्म्स ऑफ जी पी हो गए ठीक है अब देखिए हमें क्या बोला है कि हम देखिए दो इक्वेशन दिए गए क्वाड्रेटिक तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायेर माइनस थ्री एक्स प्लस ए सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो ये देखिए दो इक्वेशन दिए गए और हमें बोला है कि इसके रूट्स क्या है कॉमा बीटा इसके रूट्स क्या है कॉमा डेल्टा ठीक है तो गामा कॉमा डेल्टा इसके रूट्स हैं तो देखिए फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होगा माइनस बी बाय ए यानी थ्री आ जाएगा और अल्फा बीटा क्या है देखें इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए आर इज इक्व टू थ्री सो ए वन प्लस आर इज टू थ्री इसको इक्वेशन वन बोल दीजिए सिमिलरली यहाँ अगर हम सम ऑफ द रूट्स लगाएं तो देखिए क्या होगा गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय यानी ट्वेल्व आ जाएगा इधर तो देखिए यहाँ इसके जो है गामा क्या है ए आर स्क्वायर और ये ए आर क्यूब इक्वल्स टू ट्वेल्व तो ए आर स्क्वायर कॉमन लूँगा मैं तो क्या आ जाएगा वन प्लस आर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व इसको इक्वेशन टू बोलिए अब क्या करेंगे हम अब इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन करेंगे तो देखिए क्या आएगा ए आर स्क्वायर वन प्लस आर डिवाइडेड बाय ए वन प्लस आर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व बाई थ्री और ट्वेल्व बाई थ्री क्या होता है फोर यहाँ से देखिए वन प्लस आर वन प्लस आर ए ए कैंसल आ जाएगा तो मुझे क्या आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सो आर विल be प्लस माइनस टू यानी आर इज इक्वल टू प्लस टू हो सकता है आर इज इक्वल्स टू माइनस टू हो सकता है बट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि इट फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी यानी हर एक टर्म इंक्रीज होना चाहिए तो देखिए आर इक्वल्स टू टू जब होगा तब जो है इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट अल्टरनेटिव टर्म जो है डिक्रीज़ होगा क्योंकि रेशियो माइनस टू है तो देखिए आर इक्वल्स टू प्लस टू सिलेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आर इक्वल्स टू प्लस टू सिलेक्ट हो गया तो देखिए इसको अगर हम इक्वेशन वन में पुट करें तो देखिए ए इंटू वन प्लस टू टू थ्री सो ए इंटू थ्री इज टू थ्री सो फर्स्ट टर्म हमारा ए क्या आ गया ये आ जाएगा वन ठीक है तो ये वन आ गया तो देखिए अगर हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखे, तो देखिए अल्फा हमारा क्या आ गया वन और कॉमन रेशियो क्या है टू तो ये आ जाएगा टू फिर ए आर स्क्वायर क्या आ जाएगा फोर और ए आर क्यूब क्या आ जाएगा एट ठीक है तो अल्फा अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू पता चल गया हमें अब देखिए हमें क्या निकालना है ए की वैल्यू ठीक है तो देखिए ए यहाँ से मैं देखूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा तो मैं लिखूंगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा इजिक्वल्स टू स्मॉल ए और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या देखिए वन इंटू टू सो देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई ए फोर ए इजिक्वल्स टू वन मल्टीप्लाइड बाई टू विच इज़ टू और देखिए यहाँ से अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो बी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि गामा इंटू डेल्टा होगा तो गामा इंटू डेल्टा क्या आ जाएगा थर्टी टू ठीक है तो b इज इक्वल्स टू थर्टी टू ए इज इक्वल्स टू ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन ऑप्शन थ्री है ठीक है तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर